सिसोदिया हु स्पीकिंग एट द मोमेंट। क्वारंटीन सेंटर जाने की जरूरत पड़े, लेकिन एलजी साहब के इस आदेश की वजह से आज हर व्यक्ति को, चाहे उसके घर में व्यवस्था है या नहीं है, उसको हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना, हर व्यक्ति को क्वारंटीन सेंटर जाना लाजमी हो गया है। इसकी वजह से प्रशासन और मेडिकल सिस्टम का भी बोझ बढ़ गया है, क्योंकि पहले उनको केवल उन लोगों को क्वारंटीन सेंटर ले जाना पड़ता था जिनको क्वारंटीन सेंटर में रहना है, जिनके घर में व्यवस्था नहीं है और जिनको सिम्टम्स नहीं है। आज हर एक आदमी को, चाहे उसको 100 बुखार हो, चाहे 103 बुखार हो, चाहे उसको 99 बुखार हो, हर आदमी को पहले जाके क्वारंटीन सेंटर में चेकअप कराना पड़ता है। उसकी वजह से पूरा का पूरा जो एम्बुलेंस सिस्टम है, जो प्रशासन का मेडिकल का सिस्टम है, वो भी दबाव में है। आज बसों में भर भर के लोगों को ले जाना पड़ रहा है, टेस्ट कराओ, आज मास टेस्ट, मास लेवल पे टेस्टिंग हो रही है, टेस्ट कराओ। अब प्रशासन फिर बस अरेंज करता है कि बस में बिठा के बहुत सारे लोगों को फिर क्वारंटीन सेंटर लेके जाओ। इसकी वजह से दिल्ली में सारी अफरा तफरी मच गई है। मैंने कल एलजी साहब को रिक्वेस्ट किया था कि सर ये मॉडल ठीक नहीं है, इस मॉडल को छोड़ के एसडीएमए की तुरंत बैठक बुला के इसको चेंज करिए, लेकिन दो दिन हो गए, पहले भी उनको मना किया था लेकिन एलजी साहब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने ना एसडीएमए की मीटिंग बुलाई। अब मैंने आज गृह मंत्री अमित शाह जी को भी चिट्ठी लिखी है इस बात को लेके कि सर दिल्ली में आप खुद इंटरवीन कर रहे हैं और आप काफी सक्रिय रूप से और सहयोगात्मक रूप से इंटरवीन कर रहे हैं, आपके सहयोग के और इसकी सक्रिय भूमिका के लिए हम भागीदारी, हम आपके आभारी भी हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था लागू हो गई है इसको बंद करवाइए, नहीं तो इसकी वजह से हाहाकार मच जाएगा पूरी व्यवस्था की वजह से। आज अब दिल्ली में देखें तो दो मॉडल हैं, ओवरऑल कोरोना पे दो मॉडल सामने आ रहे हैं। एक तो ये अमित शाह जी वाला मॉडल है कि जिसमें हर आदमी को पॉजिटिव पाए जाने पे कोविड केयर सेंटर, क्वारंटीन सेंटर जाना जरूरी है, कोई भी हो, पॉजिटिव पाए जाने पे तुरंत उसको क्वारंटीन सेंटर लेके जाना पड़ेगा, चाहे बस में बिठा के ले जाना पड़े। दूसरा अरविंद केजरीवाल जी वाला मॉडल है कि उसको अगर कोविड पाया जाता है, कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, तो मेडिकल की टीम उसके घर पे आएगी, चेकअप करेगी, अगर हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल भेजेगी, अगर घर पे ही रहना है तो घर पे रहने के लिए दिशा निर्देश देगी, और अगर उसके घर में व्यवस्था नहीं है तो उसको क्वारंटीन सेंटर भेजने के लिए कहेगी। तो मैंने होम मिनिस्टर साहब को लिखा है कि इस समय योर मॉडल वर्सेस माय मॉडल की लड़ाई नहीं है, ये कोई अमित शाह मॉडल, केजरीवाल मॉडल, एलजी मॉडल, इससे नहीं चलेगा। आज दिल्ली में व्यवहारिक क्या है, आज दिल्ली के लोगों को कोरोना की वजह से कम परेशानी किस चीज से होगी? कोरोना अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन किसी व्यक्ति को कोरोना हो तो फिर उसको कम से कम परेशानी किस व्यवस्था से होगी? हमको वह व्यवस्था लागू करनी चाहिए। हम ऐसी व्यवस्था लागू ना करें जिससे सारा का सारा सिस्टम भी चरमरा जाए और ऊपर से लोग भी हाहाकार करने लगे। आज इसकी वजह से पिछले 4 से 5 दिन हो गए लोग दुखी हैं इस बात से कि साहब हम क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ेगा, अब हर आदमी को क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ेगा। तो जमीन पे जो हालात हैं उसको देखते हुए मैं एक बार फिर से अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसमें इंटरवीन करिए। आपने पहले भी जब 5 दिन वाला मसला हुआ था कि 5 दिन आवश्यक क्वारंटीन कर आदेश एलजी साहब ने दे दिया था, उसमें भी आपने इंटरवीन करके उसको पलटवाया था। ये जो हर आदमी को क्वारंटीन सेंटर ले जाके उसके वहां चेकअप करने का जो व्यवस्था है, इसको भी आपको बदलवाना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली में बहुत दिक्कत होगी। मैं हाथ जोड़ के उनसे उम्मीद करता हूं कि इसमें इंटरवीन करेंगे और जल्द से जल्द इससे निजात दिलवाएंगे लोगों को। Alright, a statement that coming in from Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia regarding the LG order, which remember says that every COVID positive patient has to visit the quarantine center for clinical assessment. Now, yesterday as well, we had seen Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia raise this concern, saying that this particular model is not very feasible as it is putting a lot of pressure on the health infrastructure and also the ambulance system in order to take the COVID positive patients to the respective quarantine centers. Additionally, Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia there further requesting Home Minister Amit Shah to intervene in this matter and to resolve the situation at the earliest, as he says that it is not possible for the COVID positive patients to really be going to the quarantine centers for clinical assessment, and the aim right now is to reduce as much pressure on the COVID positive patient as possible.